अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 वाउचर सिस्टम। कंपनी का नेम है नाज़िम एंड कंपनी, यूज वाउचर सिस्टम बाय नेट प्राइस मेथड। फॉलोइंग आर द वाउचर प्रिपेयर्ड एंड चेक इशू ड्यूरिंग दिसंबर 2010। दिसंबर 1st प्रिपेयर वाउचर नंबर 348 फॉर 40,000 पेबल टू अमजद एंड कंपनी फॉर मशीनरी परचेज ऑन टर्म 310 एंड 30। यानी आपने उधार की टर्म पे लिया है कि 10 दिन में पेमेंट होगी तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, वरना 30 दिन में अगर पेमेंट करेंगे तो नो डिस्काउंट। आपने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, उधार पे ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होती है मशीनरी डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन यहाँ चूंकि वाउचर सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल की जगह हम क्या लिखेंगे, वाउचर पेबल। तो मशीनरी डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट, वाउचर नंबर क्या है भाई, 348। ठीक है, कितने का अमाउंट है इसका, 40,000। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। अच्छा, आपने पेमेंट नहीं करी, अगर पेमेंट करते तो चेक रजिस्टर में इसकी पेमेंट आती, लेकिन चूंकि पेमेंट नहीं करी है इसलिए इसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो चेक रजिस्टर में नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये होगी पहली दिसंबर, कौन सी डेट है हमारे पास, ये दिसंबर 1st, दिसंबर 5 पे आता है। कह रहा प्रिपेयर वाउचर नंबर 349 फॉर 35,000 पेबल टू सैमसंग एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन टर्म 210 एंड 30। ये भी आपने उधार पर खरीदी है, 10 दिन में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना 30 दिन आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलना, ठीक है ना। सैमसंग से भी आपने मर्चेंडाइज खरीदी, सही है, उससे मशीनरी खरीदी थी अमजद से, और समसाम से खरीदी आपने क्या चीज, मर्चेंडाइज। इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, डेट क्या है, दिसंबर 5, तो परचेजेस डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट 349 वाउचर नंबर है। टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट कितने से, 35,000 से, तो ये एंट्री बनेगी 35,000 से, ठीक है। उधार पे पेमेंट नहीं हो रही तो भाई यही इसको फिर वाउचर बनेगा, पेमेंट में नहीं आएगा। अब दिसंबर 7 में क्या हो रहा है, इशू चेक नंबर 203 इन पेमेंट ऑफ वाउचर 348। अब 348 वाउचर कौन सा, ये वाला है, 40,000 की पेमेंट है, 10 दिन में पैसे दूंगा तो 3% डिस्काउंट है, अदरवाइज नो डिस्काउंट है। तो भाई यहाँ हो क्या रहा है, 348 वाउचर की पेमेंट हो रही है, ठीक है, 7 दिन के अंदर हो रही है, दिसंबर 1st को लिया था, 7 को पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई, डिस्काउंट अवेल कर लिया गया, तो विद इन डिस्काउंट आपकी क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। अब करते हैं पेमेंट, 40,000 का वाउचर पेबल था और 3% डिस्काउंट है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, दिसंबर 7, क्या बनेगी, वाउचर पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर विद डिस्काउंट, 40,000 का वाउचर था, 3% डिस्काउंट दिया, 40,000 डेबिट 3%, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 40,000 का 1% आएगा 400, 3% बनेगा 1200, ठीक है, 40,000 1200 माइनस करें कितना आ जाएगा, 38,800, ठीक है जी, हो गई पेमेंट दिसंबर 7 में, वाउचर नंबर 348 दिसंबर 1st की। फिर आते हैं दिसंबर 5, सॉरी दिसंबर 10, प्रिपेयर वाउचर नंबर 350 फॉर 4,800 टू रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड फॉर द फॉरेन डिसबर्समेंट्स। सप्लाइज लिए, एंटरटेनमेंट के पैसे दिए, पोस्टेज के दिए, मिसेलेनियस एक्सपेंस के दिए, टोटल कितने दिए, 4,800। तो इसके लिए क्या बनेगी, पेटी कैश फंड डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट, यहां बनेगी दिसंबर 10, पेटी कैश फंड डेबिट
और वाउचर पेबल क्रेडिट 350 टू रिकॉर्ड पेड और पेटी कैश फाइन कितने किलोमीटर 4800 ठीक है ना भाई। तो अब हो रही है पेमेंट इसकी सही है। अब करते हैं पेमेंट, पेमेंट कहाँ से होगी चेक रजिस्टर से, कौन से दिसंबर 10 को यहाँ से होगी पेमेंट दिसंबर 10 वाउचर पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड पेड वाउचर कौन सा वाउचर की पेमेंट हो रही है भाई 350 4800 का वाउचर दिसंबर 10 को उसकी हो रही पेमेंट 4800 की रादर 20 दिसंबर इशू चेक नंबर 204 नहीं सॉरी यहाँ पेमेंट नहीं हुई इसकी, यहाँ कहीं नहीं लिखा चेक इशू हुआ है ठीक है ना, यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा चेक इशू, जैसे यहाँ लिखा हुआ चेक इशू 203 दिसंबर 7 को, तो यहाँ तो चेक इशू हो रहा है, चेक नंबर क्या है 203 और ये वाउचर कौन सा था दिसंबर 7 का 348 ठीक है यहाँ तो इशू हो रहा है, यहाँ कुछ पेमेंट की बात तो की नहीं उन्होंने, दिसंबर 10 का तो नहीं आएगी क्योंकि पेटी कैश फंड नॉर्मली पेमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पेमेंट की बात नहीं करी उन्होंने, तो पेमेंट नहीं हो रही इसकी ठीक है, दिसंबर 10 की ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। फिर है दिसंबर 20 चेक नंबर 204 इन पेमेंट ऑफ वाउचर 349 बिकॉज द डिस्काउंट पीरियड हैज इलैप्स्ड, यानी कि 20 तारीख को पेमेंट हो रही है, 5 को खरीदा था 10 दिन का डिस्काउंट पीरियड था, अगर 15 के अंदर पेमेंट हो जाती तो डिस्काउंट क्या होता अवेल हो जाता, लेकिन चूंकि पेमेंट 15 को नहीं 20 को हो रही है तो डिस्काउंट अवेल नहीं हो रहा। तो सिंपल सिंपल सी बात है, पेमेंट करें 349 की कितनी 35,000 ठीक है, तो 35,000 की पेमेंट करेंगे आप कौन सी डेट पे दिसंबर 20 को कितने की 35,000 दिसंबर 20 वाउचर पेबल डेबिट कौन सा 349 और बैंक क्रेडिट चेक नंबर 204 कितने की पेमेंट हो रही है 35,000 टू रिकॉर्ड पेड वाउचर 25 पे आते हैं, प्रीपेड वाउचर नंबर 351 और 5,000 एज ड्राइंग बाय ऑनर, वाउचर नंबर 351 बनाया और 5,000 एज ड्राइंग बाय ऑनर, लेकिन अभी इसकी पेमेंट की बात नहीं हुई, 25 को सिर्फ वाउचर बनाया ड्राइंग का ठीक है, तो वाउचर तो ऊपर बनता है 25 को बनाया अपने वाउचर दिसंबर 25 25 उसकी पेमेंट नहीं हो रही, सिंपल ड्राइंग डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट 351 नरेशन टू रिकॉर्ड विड्यू कैश और पर्सनल यूज कितने का भाई 5,000 का, यह लिखा हमने 5,000 और बैंक क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड
पेड वाउचर। नंबर क्या है इसका? 351 की पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। 350 की पेमेंट की बात अब तक नहीं हुई। और चेक नंबर क्या है इसका? ठीक है जी, 5000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है ना जी, 27 हो गई। नेक्स्ट है 28, प्रिपेयर वाउचर नंबर 352 फॉर 10,000 पेबल टू एम्प्लॉइज फॉर दिसंबर 2010। वाउचर बनाया वर्कर की सैलरी का, तो क्या बनेगा? सैलरी एक्सपेंस डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट, 28 दिसंबर की बनेगी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट, कौन सा? 352 नरेशन टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज, या टू रिकॉर्ड सैलरीज टू स्टाफ। फिर आता है 28 के बाद, वॉचर नंबर क्या? 352 हो चुका। 31st इशू चेक नंबर 206 इन पेमेंट ऑफ वॉचर नंबर 352। वॉचर 352 क्या करें? पेमेंट करें 206। थर्टी फर्स्ट है लास्ट करियर, 31st इसमें पेमेंट हो रही है, दिसंबर 31st। वाउचर पेबल डेबिट और बैंक करियर पेमेंट हो रही है 10,000। टू रिकॉर्ड पेड वाउचर, वाउचर नंबर क्या? 352, चेक नंबर 206, यानी का 352, चेक नंबर क्या? 206। ये हो गई पेमेंट, यह हमारा ये वाला सवाल खत्म हो जाता है।